हेलो मेरे प्यारे शेर शेर न्यू, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस लेक्चर के अंदर से बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों फिक्स है, 100% गारंटी है। यहां से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको देखने को 101% मिलेगा। तो इसलिए आज इस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आवेश के क्वांटीकरण नियम पर आधारित प्रश्न। बच्चों मैंने आपको आवेश के क्वांटीकरण का नियम पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला आया था क्यू बराबर में एन ई। क्यू होता है टोटल चार्ज, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी भाई, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होने वाली है। और ई है भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कहने का मतलब इतना है कि एन का जो वैल्यू होता है वो एक पूर्ण नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पर हम करने वाले हैं आधारित क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण बच्चों ये सारे प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चे अपने से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश क्या है भाई संभव है, कौन सा आवेश संभव है। देखिए वही आवेश क्या होगा भाई आपका, संभव होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, पूर्ण संख्या में होंगे। पूर्ण संख्या का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे, मतलब बटे में पॉइंट वाली संख्या नहीं होगी। वही आपका आवेश क्या होगा, संभव होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन है, क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको ये बताना है ये आवेश संभव है या अदरवाइज नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, यहां पर हम निकालेंगे एन का मान, और एन का मान एक पूर्ण संख्या मिल गई तो हम कह देंगे संभव है, और एन का मान नहीं मिलती है पूर्ण संख्या तो हम कह देंगे संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा सभी, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्यू बराबर होता है एन ई, हमें तो एन से मतलब है, तो एन का यहां से फॉर्मूला बन जाएगा एन इक्वल टू क्यू बटा में ई, राइट। क्यू का वैल्यू देखिए कितना है 4.8 × 10⁻¹⁸ बटा में ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, राइट। अब देखिए ध्यान से भाई, देखिए आपका पॉइंट से तो आपका पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 48/16, ऊपर है 10⁻¹⁸, ये पावर आपकी ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी भाई, ये प्लस की बन जाएगी, ये प्लस का बन गया एन बराबर। देखिए 16 के पहाड़े से आप 48 को काट सकते हो, कितनी बार बच्चों, 4 बार, 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा बच्चों, 3 बार, 16 में 16, 16 में 32, 16 में 38, 3 बार होगा भाई, 4 बार नहीं कटेगा, 3 गुणा। अब देखिए ये आपकी पावर है माइनस की 18, ये है प्लस की 19, तो यहां से आपको क्या मिलेगा भाई 10⁻¹ मिलेगा। 10⁻¹ का मतलब है बच्चों 10, और 3 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 30 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा 30 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका एन का मान है वो क्या निकल कर आया है, एक पूर्ण संख्या निकल कर आई है। अब पूर्ण संख्या निकल कर आई है तो हम कह सकते हैं यह आवेश संभव है, ऐसे आप क्वेश्चन को करना है। ये बच्चों आपके मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है,
एन का मान आपको निकालना है। तो फॉर्मूला है क्यू बराबर में एन ई, एन का फॉर्मूला बन जाएगा एन इक्वल टू क्यू बटा में ई। क्यू का मान है 4.8 इंटू 10^-90 का 90, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10^-90 का 90। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, आपका यहां पर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये आवेश भी क्या है भाई, आवेश क्या है, संभव है, क्योंकि यहां पर जो आपका n का मान क्या है, एक पूर्ण संख्या आई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है थर्ड। देखिए q का मान आपको गिवन है, राइट, n का मान निकालना है, फॉर्मूला होगा n इक्वल टू क्यू बटा में e। q का वैल्यू है 4.8 इंटू 10^-20 का 20 अपॉन 1.6 इंटू 10^-90 का 19। देखिएगा ध्यान से, यहां से आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 48/16 इंटू 10^-20 का 20 गुणा ये पावर ऊपर जाएगी, किसी बन जाएगी प्लस की बन जाएगी, एन बराबर यहां पर आपका 3 आ जाएगा डिवाइड करने पर, यहां से बच्चों आपका 10^-1 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप जब इस पावर को नीचे लेकर जाओगे तो किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, राइट। तो यहां से आपका आया 3/10। अब आप 10 का डिवाइड करते हो 3 में, तो ये आपको मिलेगा 0.3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप देखो ध्यान से, तो जो n का मान है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और हमने सीखा है तो पूर्ण संख्या जो नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में भार नहीं आएगा, इसीलिए प्यारे बच्चों यह आवेश संभव नहीं है। यहां लिख दीजिएगा, यह आवेश संभव नहीं है। ऐसे बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चनों का बच्चों जो पीडीएफ होता है, आप सभी को पता है, हमारे ऐप पर जो है, ऐप हमारा जो है, ऐप का नाम है मेरे बच्चों एम क्लासेज। एम क्लासेज डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पर आपको ये सारे जो पीडीएफ होती है क्लास की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु को 5×10^-19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको भाई निकालनी है, मतलब प्यारे बच्चों आपको n का मान निकालना होगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आप जब भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सोल्व करोगे तो वहां पर आपको ऐसे आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है गिवन डाटा, क्या डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो आपको चार्ज गिवन है, तो क्यू का वैल्यू है 5×10^-19 कूलाम। आपको इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है, मतलब आपको एन निकालना है। तो यूज करेंगे आवेश की क्वांटिकरण नियम के फॉर्मूले को। तो फिर आपको यहां पर लिखना है कि भाई हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। यहां से n का फॉर्मूला बन जाएगा Q बटा में e हो जाएगा, राइट। अब n बराबर में Q का वैल्यू क्या है, 5×10^-19 बटा में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 का 19। आगे देखिएगा ध्यान से, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपका बचेगा 5/1.6। यहां से आपकी पॉइंट हटेगी तो ऊपर क्या है भाई, एक जीरो आ जाएगी, बटा में 16, राइट। अब देखिए आप डिवाइड करते हो, राइट, या फिर आप टू के पार्ट से काट सकते हो, ये 25 बार कट गया और ये आपका कितनी बार कट गया, 8 बार। अब देखिएगा 8 आपका 24.8 और 2, यानी कि लगभग आप यहां से लिखोगे बार बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन पॉइंटों में आ रहा है ना,
पॉइंट वाली संख्या हम लेते नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी नहीं, पूर्ण संख्या हमें चाहिए। तो लगभग हम कितना बता देंगे सवाल के अंदर, तीन इलेक्ट्रॉनों का क्या करना होगा भाई, स्थानांतर करना पड़ेगा या निकालने पड़ेंगे। तो इस टाइप से बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चनों को भाई डील करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। नोट डाउन बच्चों कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आ गया, लीजिए। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे बच्चों चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से पूछे गए हैं जैक बोर्ड की तरफ से, सभी क्वेश्चनों को बच्चों हम करेंगे। तो आप सभी बच्चे चैप्टर का इंतजार कीजिए, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको PYQ करवाऊंगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, कौन सी ईयर में आया है उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, दो गुलाम आवेश है मतलब आवेश का वैल्यू कितना है, दो गुलाम। कितने इलेक्ट्रॉन है मतलब आपको एन का मान निकालना है। देखिए क्यों बराबर फॉर्मूला होता है एन ई, यहां से आप एन का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा में ई आ जाएगा। एन बराबर में क्यू का मान है दो, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹। एन बराबर 2/1.6, ये ऊपर जाएगी पावर तो किसकी बन जाएगी भाई, ये प्लस की बन जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहां से मैं हटाऊंगा पॉइंट, जैसे आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगी भाई, एक जीरो लग जाएगी। सबको पता है मेरे बच्चों कैसे होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए एन बराबर में 2/, जैसे यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, गुणा में 10 की पावर क्या है, 19 है। अब ये पावर इसकी एक मान सकते हो, ऊपर जाएगी तो माइनस की, फिर ऊपर जाएगी किसकी बन जाएगी भाई, प्लस की। और 2 से जब 10 की पावर 1 गुणा होगी तो क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट। आगे देखिएगा आप इसको यहां पर देखो क्या कर सकते हो, इसमें डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 16 कम 16 चार बचेगा बच्चों, पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 5 फिर 80 हो जाएगा। ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों दो गुलाम आवेश के अंदर, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये है बच्चों आवेश के क्वांटिकल नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और बच्चों को काफी परेशान भी करते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सभी बच्चे जितना हो सके इन वीडियोस को देखिए बच्चों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। यदि चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।